दोस्तों दिलजीत दोसांझ आज की तारीख में एक ऐसा नाम बन चुका है जो हर किसी की जबान पर है। इनके म्यूजिक के दीवाने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक है। दिलजीत म्यूजिक के अलावा बहुत सी पंजाबी और हिंदी मूवीज में भी काम कर चुके हैं और उन मूवीज को सुपरहिट भी बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिलजीत दोसांझ कैसी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, इनकी इनकम और नेटवर्थ कितनी है, इनकी फैमिली में इनके अलावा और कौन है, और इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिलजीत का रियल नेम दलजीत सिंह दोसांझ है, पर अपने प्रोड्यूसर के कहने पर इन्होंने अपना नाम चेंज करके दिलजीत रख लिया था। इनका जन्म 6 जनवरी 1984 को दोसांझ कलन जलंधर पंजाब में हुआ और 2024 के हिसाब से इनकी उम्र 40 साल है और प्रोफेशन से दिलजीत सिंगर, एक्टर और एक सॉन्ग राइटर है। दिलजीत ने अपनी स्कूल की पढ़ाई श्री गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल लुधियाना से की थी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के करियर के बारे में। दिलजीत ने काफी कम उम्र में ही म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर दिया था और वो अपने आस पड़ोस के गुरुद्वारा में परफॉर्म किया करते थे। दिलजीत ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस पंजाब के किसी विलेज में दिया था, क्योंकि उस दिन मास्टर सलीम नाम के कलाकार समय पर स्टेज पर नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए ऑडियंस को बिजी रखने के लिए दिलजीत को मौका दिया गया। इसके बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने के लिए दिलजीत ने बलवीर बोपारा नाम के सिंगर कंपोजर को अप्रोच किया और 16 साल की उम्र में अपना सिंगिंग डेब्यू इश्क दा उड़ा आधा नाम की एल्बम में किया। दिलजीत जब 17 साल के हुए तब वो एक शो में परफॉर्म करने के लिए 50,000 रुपए चार्ज करने लगे। फिर कुछ टाइम बाद दिलजीत और योयो हनी सिंह ने मिलकर एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था लक 28 कुड़ीदा, जो कि एक सुपर हिट गाना बन गया। 2013 में दिलजीत ने बादशाह के साथ एक सॉन्ग रिलीज किया था जिसका नाम था प्रॉपर पटोला, और यह पहला ऐसा पंजाबी सॉन्ग था जो वीवो नाम की म्यूजिक वीडियो प्लेटफॉर्म पर फीचर हुआ। इसके बाद 2016 में दिलजीत ने अपना बॉलीवुड डेब्यू उड़ता पंजाब नाम की मूवी में किया। इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग करने के लिए दिलजीत को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2018 में दिलजीत को सूरमा नाम की फिल्म ऑफर करी गई, पर दिलजीत ने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दिलजीत को स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज में इंटरेस्ट नहीं था। पर जब इन्होंने संदीप सिंह की इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ी तब इन्होंने मूवी का ऑफर तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। दिलजीत ने और भी कई मूवीज में काम किया है जिनके नाम है जट एंड जूलियट, सूरज पे मंगल भारी, गुड न्यूज, अंबर सरिया, अमर सिंह चमकीला, पंजाब 1984, अर्जुन पटियाला, जिन्हें मेरा दिल लुटिया और नमस्ते इंग्लैंड। दिलजीत एक बेहतरीन सिंगर के साथ एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। दिलजीत ने कई सारी मूवीज को ठुकराया भी है क्योंकि उन मूवीज में दिलजीत को अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता था। 15 अप्रैल 2023 को दिलजीत ने कोचिला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल कैलिफोर्निया में परफॉर्म किया और कोचिला स्टेज पर परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन बने। दिलजीत ने वैसे तो बहुत से सुपर हिट सॉन्ग्स गाए हैं, पर उनमें से कुछ गानों का नाम है गोट, बॉर्न टू शाइन, टू जूलियट जट दी, लेमनेड, लवर, खुत्ती, क्लैश और गोलियान। इसके अलावा दिलजीत को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि 2010 में दिलजीत को पीटीसी पंजाब फिल्म अवार्ड में लक 28 कुड़ीदा सॉन्ग के लिए मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2012 में दिलजीत को जीने मेरा दिल लुटिया फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2013 में इन्हें जट एंड जूलियट में खड़कू सॉन्ग के लिए बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2014 में इन्हें प्रॉपर पटोला सॉन्ग के लिए बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2017 में दिलजीत को उड़ता पंजाब मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2018 में दिलजीत को मोस्ट ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। इसके अलावा दिलजीत और भी कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं जिनकी लिस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं दिलजीत दोसांझ का कार कलेक्शन। इनके पास जो पहली कार है उसका नाम है जीप फ्रेंगलर, जिसकी प्राइस है 74 लाख रुपीज। इनकी सेकेंड कार का नाम है पोर्शे कैनी, जिसकी प्राइस है 1.25 करोड़ रुपीज। इनकी थर्ड कार का नाम है पोर्शे पैनामेरा, जिसकी प्राइस है 1.68 करोड़ रुपीज। इनकी फोर्थ कार का नाम है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, जिसकी प्राइस है 5.75 करोड़ रुपीज। इनकी फिफ्थ कार का नाम है मर्सिडीज एएमजी G63, जिसकी प्राइस है 2.45 करोड़ रुपीज।
इनके पास जो सिक्स्थ कार है उसका नाम है ऑडी Q7, जिसकी प्राइस है 88 लाख रुपीस। और इनके कार कलेक्शन में जो सबसे आखिरी कार है उसका नाम है BMW 5 सीरीज, जिसकी प्राइस है 67 लाख रुपीस। और इनके पास जो सबसे महंगी चीज है वो है इनका प्राइवेट जेट, जिसकी प्राइस है 30 करोड़ रुपए। दिलजीत दोसांझ को जब दूसरी कंट्रीज में कॉन्सर्ट करने के लिए जाना पड़ता है तब वो अपने प्राइवेट जेट से ही ट्रैवल करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं दिलजीत दोसांझ की फैमिली से। इनकी वाइफ का नाम है संदीप कौर, इनके फादर का नाम है बलबीर सिंह दोसांझ, इनकी मदर का नाम है सुखविंदर कौर, इसके अलावा इनका एक बेटा भी है, इनके भाई का नाम है मनजीत सिंह और इनकी एक सिस्टर भी है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दिलजीत दोसांझ की इनकम के बारे में। दिलजीत एक मूवी में काम करने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और एक लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और अगर बात करें इनकी नेटवर्थ के बारे में तो इनका टोटल नेटवर्थ है 175 करोड़ रुपीस। आइए अब बात कर लेते हैं इनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में। इनका फेवरेट फूड है सरसों का साग और मक्के की रोटी। इनके फेवरेट एक्टर है सलमान खान। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और काइली जेनर। इनके फेवरेट सिंगर हैं गुरदास मान, कुलदीप मानक, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और टेलर स्विफ्ट। तो दोस्तों, ये था दिलजीत दोसांझ का लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।